नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी आपके साथ। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के किला परिसर में। यहाँ पर महामृत्युंजय का मंदिर है। मैं आपको बताऊं, दुनिया का इकलौता और एकमात्र मंदिर रीवा राजघराने ने इसी किले स्थित में निर्मित किया था। मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे साफ तौर से जाहिर करता है कि इस समय किला परिसर के अंदर हम मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आज अयोध्या में राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री सहित वहाँ पर तमाम देश के गणमान्य लोग मौजूद हैं। उसी संबंध में बात करने के लिए रीवा के यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या 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 किस नज़र से आप देखते हैं इसको। निश्चित रूप से आज पूरा देश दिवाली जैसे मना रहा है। उसका वजह भी यही है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानियाँ थी, धार्मिक मान के चलते हैं, और वो 540 वर्ष का पुराना एक झगड़ा था जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले के तहत निर्णय सुनाया। और उसी निर्णय का स्वागत करते हुए, जो हमारे देश की निश्चित रूप से एक अच्छी संस्कृति है, जो सब लोगों ने उसको माना और उस ज़मीन को, जिस जो ज़मीन भगवान रामचंद्र जी का पैदाइशी माना जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हिंदू का है और इसमें मंदिर भव्य बनाए। निश्चित रूप से आज वहाँ पर मंदिर बन रहा है। गंगा जमनी तहजीब की बेमिसाल मिसाल इससे बड़ी कुछ नहीं देखी जा सकती। हर धर्म के लोग ये चाहते हैं वहाँ पर एक भव्य मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सबने माना है। आप बताइए क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात हुई है जो भगवान राम का मंदिर वहाँ बन रहा है। इससे सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग खुश हैं। वहाँ मंच में भी साझा कर रहे हैं, हर समुदाय के लोग वहाँ मंच भी साझा कर रहे हैं। और दिवाली जैसा माहौल अयोध्या भर में नहीं है, पूरे देश में है और लोगों ने इसका स्वागत किया है। पूरे देश में दिवाली का माहौल है। निश्चित रूप से आज का दिन इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानेंगे रीवा राजघराने को इस घटना से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है। रीवा राजघराना इस घटना से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे रीवा राज्य के जो महाराजा अधिराज की जो पूजा होती है, वो आदि काल से यहाँ पूजा हो रही है और भगवान बैठते हैं, भगवान की पूजा की जाती है, राजगद्दी की पूजा यहाँ नहीं की जाती। और पूरे देश में आज ये ऐतिहासिक है। पूरे देश के लोग, चाहे जिस धर्म के लोग हों, सब लोग आज बहुत खुशी मना रहे हैं। सब खुशी मना रहे हैं। वहीं हैं वही जो राम रचि राखा कि जो भी अपना श्रेय ले रहे हैं, पर हमारा मानना है कि भगवान राम जो चाहते तो वही हुआ और सही समय पर हुआ। हमारे देश में जो राजनीतिक रोटी सेकी जा रही थी वो समाप्त हुई है। राजनीतिक रोटी सेकी जा रही थी वो समाप्त हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम का भव्य मंदिर बनने जा रहा, आज उसका विधिवत भूमि पूजन भी हो गया है। रीवा में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। हम आपको सीधे लेकर चलते हैं किला परिसर के स्थित अंदर राजधिराज मंदिर में और वहाँ दिखाते हैं किस तरीके का नज़ारा है। वहाँ पर महाराज रीवा पुष्पराज सिंह जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इस संबंध में वो क्या कुछ कह रहे हैं। Thank you.
मुझे लगता है कि आज क्योंकि तो आवश्यकता ही नहीं है, आज तो स्वाभाविक है कि ये आयोजन होना ही चाहिए था, इसलिए यहाँ हो रहा है। क्योंकि एक बहुत ही खुशी का पर्व है और एक बहुत विश्वास का पर्व है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोगों की सबके अंदर जो एक दिली आशा और उम्मीद थी, आज उसका अयोध्या में शिलान्यास हो रहा है। मैं लगातार एक एक वाक्य से संपर्क में हूँ माननीय महाराज संत सतपाल महाराज जी के माध्यम से, और विश्वास मानिए कि उसकी जो लव है और उसकी जो धारा है उसको हम यहाँ तक खींचने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं कि रीवा राजगद्दी जो है वो राजाधिराज जी के संचालन में सदैव चली है। यहाँ किसी राजा ने शासन नहीं करा, ये सर्वत लोग जानते हैं। केवल भारत में 3 जगह ऐसी स्थिति रही है जिसमें से एक रीवा भी है, और आज अभूतपूर्व हम लोगों को खुशी इस बात की है कि वहाँ पर शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर हम लोग भगवत भजन कर रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल, आपने एक शब्द का नाम लिया, राजाधिराज। जैसा कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, इस मंदिर का भी नाम भगवान श्री राजाधिराज जी के नाम से ही है। तो इस मंदिर के बारे में पहले बताएं, उसके बाद हम की बात। ये जो मंदिर है ये बड़ा विशेष है। आप देखेंगे कि इसमें 3 गुंबज हैं, 3 अलग अलग देवताओं का यहाँ पर स्थापना की गई, जिनमें से एक विशेष राजाधिराज जी थे, और 2 और मूर्तियाँ हैं जिसमें से एक हनुमान जी की भी थी और एक दूसरी और भी मूर्ति है। तो ये प्रयास करा गया कि त्रिमूर्ति यहाँ पर विराजमान हो। इसकी जो नक्काशी है ये बघेली शैली में बनाई गई है, ये कलचुरी शैली की नहीं है, क्योंकि किला के अंदर कलचुरी शैली की भी बहुत सारी नक्काशियाँ हैं। तो लेकिन इसकी जो नक्काशी है आप देखेंगे एक अलग प्रकार से है, जो उठ के बाहर आ रही है, वो कलचुरी नहीं है, वो बघेल वंश की नक्काशी है। इसलिए ये बड़ा अद्भुत मंदिर है और वास्तु को सामने रखते हुए इसका निर्माण कराया गया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।